बीच एक तस्वीर हम आपको राहुल गांधी के घर के बाहर की दिखा रहे हैं। इस वक्त उनके घर के बाहर दिल्ली में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में इनके देखिए आपको पोस्टर नजर आ रहे होंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कुमार सोनू वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार सोनू, ये प्रदर्शन किस लिए हो रहा है और कितनी देर से यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, कुछ देर पहले यहाँ पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं राहुल गांधी के घर के बाहर और प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल जो सूरत कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया उसको लेकर इनकी नाराजगी है और फिलहाल प्रदर्शन कर रहे। कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब? संजय नीरज नाम है। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? वो जो फैसला आया है हम बताना चाहते हैं। ये तानाशाह सरकार है, राहुल जी के पीछे पड़ी है। राहुल गांधी जो सत्य को बताना चाहते हैं, संविधान के हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं, लेकिन ये तानाशाह सरकार तानाशाह संविधान कोर्ट का है, उसमें सरकार का क्या? देखिए, आप जानते हैं कि कोर्ट जो भी फैसला कर रही है वो सरकार के कहने पे ही कर रही है। क्यों जज जो है एकदम राज्यपाल बना दिया जाता है? तो आपने सोचना होगा कि कहीं ना कहीं तरक्की का लालच देके किसी ना किसी को जबरदस्ती कोर्ट के फैसले पर सवाल। हम कोर्ट के फैसले पर नहीं कर रहे, जो सत्ता जो में जो बैठे हुए हैं सत्तारूढ़ पार्टी जो की जबरदस्ती फैसले करवा रही है, हम उसके खिलाफ हैं। आपका क्या नाम भाई साहब? मुकेश। देखिए, आपका पूछ रहे हैं क्यों विरोध कर रहे हैं, किन बात को? हम राहुल जी के समर्थन में यहाँ बैठे हुए हैं। जो राहुल जी को पार्लियामेंट के अंदर जो जेपीसी की विपक्ष की मांग है उसको नहीं माना जा रहा है और राहुल जी को पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोलने दिया जा रहा, उसके खिलाफ हम लोग राहुल गांधी के समर्थन में यहाँ बैठे हैं। रहा कोर्ट के फैसले का बात, कोर्ट का मैटर है, कोर्ट ने अपना फैसला किया, वो कानून अपना काम करेगा। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि अनिल जी क्यों प्रदर्शन जी अनिल जी प्रदर्शन आप लोग जी। देखिए, यहाँ पर तमाम जो है लोग बैठे, सर क्यों मांगे कर? देखिए, राहुल गांधी जी को जो लोग डराना चाहते हैं, प्रताड़ित करना चाहते हैं, उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं, उनको समझ लेना चाहिए। देश आजाद कराने के लिए नेहरू जी ने 14 साल तक जेलों में रहे थे। ये राहुल गांधी की रगों में उनका खून है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।